मेरे पीछे आप जो ये तालाब देख रहे हैं, ये परमानेंट तालाब नहीं है, ये यहाँ पर पानी जमा हुआ है और काफी दिनों से जमा है, जिस कारण यहाँ पर पानी भर चुका है। और बगल में आप देखेंगे इसके जस्ट जो है एक प्राथमिक विद्यालय है, जो कि धतिंगरा और चिन्हट ब्लॉक में पड़ता है, धतिंगरा गांव में पड़ता है प्राथमिक विद्यालय, और बक्सी तालाब विधानसभा क्षेत्र लगता है। आप यहाँ पर बगल में एक ट्यूबवेल भी है, सरकारी ट्यूबवेल भी है, जिस कारण जो पानी है वो यहाँ से जाता है और पता नहीं किस कारण जो पानी यहाँ पर जम चुका है। दादा ये बताइए, यहाँ के निवासी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, ये पानी अपने आप जमा हुआ है कैसे? नहीं, ये टेबल से, ये टेबल से पानी जो है, हाँ लीकेज है, यहाँ लीकेज है, उसी भर गया। तब तो ये बताइए, छोटे छोटे बच्चे जैसे आते हैं, अब इसके बगल में ट्रांसफार्मर भी जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं इसमें अगर पानी अगर इस पे अगर करंट उतर गया तो बहुत बड़ा खतरा है। खतरा तो है सर, खतरा तो है, लाइन है या कहीं, ये बताइए यहाँ पर कुछ और भी दुर्घटना क्या घटित हो चुकी है इससे पहले कभी कुछ? नहीं, यहाँ तो नहीं भाई, उस खेत में भाई, खेत में जो आगे है, हाँ वही थी, बरसात आ चुका है, थोड़ा पानी बरस रहा है, पर बहरहाल दादा बता रहे हैं कि इससे आगे जो कुछ गाय थी वो गाय मर गई थी, बस मर गई थी। तो ये रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया कि किस तरह यहाँ पर एक खतरा का सबब बना हुआ है, बारिश हो रही है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं किस तरह से जो है, और ये करंट का पानी कभी भी उतर सकता है, और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर जो आते हैं प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, इनके लिए बहुत ही बड़ा ये खतरे का सबब बन सकता है। फिलहाल मैं अभिषेक सिंह, कैमरा पर्सन अनुराग के साथ, GMD खबर, लखनऊ।